पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो या पीसीबी ग्रुप के बच्चे हो, दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। अगर आप दिन के एक मॉक टेस्ट दे रहे हो या तीन मॉक टेस्ट दे रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है वो आप ढूंढते नहीं हो, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मार्क्स कम क्यों आ रहा है तो आप उस पर काम कैसे करोगे। और काम नहीं करोगे तो अगर आप कल को दूसरा मॉक टेस्ट दोगे आप सेम गलतियां दोहराओगे। आपके मॉक टेस्ट में जो मार्क्स रहेगा वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आप आज 120 स्कोर कर रहे हो, कल के मॉक टेस्ट में 122 स्कोर करोगे। 120 से आप 130 140 तक बूस्ट नहीं कर पाओगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कौन से कॉमन मिस्टेक होते हैं जिसके वजह से बच्चे बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं सीईटी एग्जामिनेशन में। और अभी पीसीबी ग्रुप के लिए कुछ 9 दिन बाकी है और सेम अप्लाई फॉर पीसीएम ग्रुप के लिए भी कुछ 20-21 दिन बाकी है। आपको 20-21 दिन और पीसीबी ग्रुप के ये जो 9 दिन है आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है, कैसे एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के बाद आपको कौन कौन से मिस्टेक मिलेंगे, उस मिस्टेक पर कैसे आपको काम करना है, ये सारा टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है जिसके वजह से आपका मार्क्स कम स्कोर हो रहा है वो है कि आपने कॉन्सेप्ट कवर नहीं किया है। अभी दो कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। पहला, जो 120 से कम स्कोर कर रहे हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत बाकी है। ऐसे बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट बहुत बाकी है और वो 120 से कम स्कोर करें, 100, 80, 90, 105, ऐसे बच्चे को क्या करना है, मॉक टेस्ट में उतना फोकस करना ही नहीं है क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस बाकी है। तो जब वो मॉक टेस्ट देंगे तो उनको पता रहेगा कि ये चैप्टर तो मैंने किया ही नहीं, तो वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो उनको आता है एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन करने के लिए उनके पास सफिशियंट टाइम है। हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हम एक सर्टेन टाइम लिमिट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का तरीका जान जाए, हम उससे यूज टू हो जाए, साथ ही साथ उस टाइम पीरियड में हम कम से कम मिस्टेक करें। ये हमारा मेन मोटिव रहता है मॉक टेस्ट देने के लिए। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका ज़्यादा सिलेबस बाकी है, जो 120 से कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उन्हें ये सारे पॉइंट टाइम मैनेजमेंट और एरर करेक्शन में उतना फोकस देना ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एग्जामिनेशन में जब बैठेंगे तो उन्होंने जितना सिलेबस कवर किया है उतना क्वेश्चन करने के लिए उनके पास सफिशियंट टाइम है। तो इस टाइम वो क्या करें, अभी पीसीएम ग्रुप के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अभी आपके पास 21 दिन है, तो आप स्टार्टिंग के 10 दिन जिनका 120 से कम मार्क्स स्कोर हो रहा है वो ढूंढें कि उनका कौन सा कॉन्सेप्ट बाकी है, कौन सा टॉपिक बाकी है जिसके वजह से वो ये जो 80-90 मार्क्स है वो गवा रहे हैं। आपको ढूंढना है, अगर आपको है ना पता चलता है कि कोई छोटा चैप्टर है या ऐसा चैप्टर है जो 2-3 घंटे में कवर हो सके, तो ऐसे चैप्टर आपको पहले कवर करना है। अगर 10 दिन के पीरियड में आपने छोटे चैप्टर कर दिए तो जो बड़े चैप्टर है आप उस पर जाओ और उसमें है ना जो इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है सिर्फ वही कवर करो। और है ना हमें क्या करना है, हमें टॉपिक कवर करना है और हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। पीसीबी वालों को भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आपका कोई बायो में छूटा है, अगर आपका मार्क्स बहुत कम हो रहा है, तो आपको पहले जो चैप्टर जो सिलेबस आपका पेंडिंग है आपको वो पहले कवर करना है। आपको मॉक टेस्ट पे उतना फोकस नहीं करना है। अगर आप दिन का एक मॉक टेस्ट भी दे रहे हो चलेगा, लेकिन आपको अपना सिलेबस जो आपका पेंडिंग है उसे कवर करना है। अभी बात करते हैं ऐसे बच्चों का जिन्होंने अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है लेकिन कुछ सिलेबस बाकी। तो ऐसे बच्चे जिनका कुछ सिलेबस बाकी है वो जो पेंडिंग सिलेबस है उसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसे एटलीस्ट कवर करके जाए। कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपका वो चैप्टर बाकी है तो आप वो वीडियो में जो मैंने टॉपिक पर बात किया है उसे आपको एटलीस्ट करके जाना है। दूसरा और तीसरा रीज़न है जिसके वजह से आपका कम मार्क्स स्कोर हो रहा है वो है कैलकुलेशन, या जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो एरर, आपके सॉल्विंग में एरर आ रहा है। ये एरर क्या हो सकता है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, आपने ना गिवन टर्म अच्छे से राइट गिवन टर्म नहीं लिखे, इसके वजह से आपका आंसर और जो एमसीक्यू में आंसर दिया गया है उसमें कोई मैच ही नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जिनको सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जिनका कॉन्सेप्ट तो भाई ठीक से हो गया है, जितना उनसे हो सकता था उतना कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे बच्चे को क्या करना है, उन्हें मॉक टेस्ट में फोकस करना है, क्योंकि उन्हें अभी कॉन्सेप्ट तो आ गया लेकिन वो एरर कर रहे हैं सॉल्व करते वक्त, तो उन्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है।
वहीं जब आप ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे तो आप टाइम पर क्वेश्चन करने का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करें। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट कम बाकी है तो आपको देखना है कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बाकी है। अगर आपका बहुत ही कम मार्क्स स्कोर हो रहा है, 120 से कम स्कोर हो रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट देना ही नहीं है। तब आपको सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ दिनों तक तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट कवर करना है। और अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते भी हो तो 1-2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो। वहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है पर फिर भी आपका मार्क्स अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे रीज़न है कि आप एरर कर रहे हो सॉल्व करते वक्त, या टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसके वजह से 3 घंटे में आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बच्चे जो एरर कर रहे हैं या जिनका टाइम पे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ये दोनों बच्चे अभी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने में फोकस करें। मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज करें और देखें कि क्या उनका एरर कम हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस कारण ढूंढिए और उस कारण पे काम कीजिए। ये जो दिन बचे हैं पीसीबी ग्रुप के लिए 9 दिन और पीसीएम ग्रुप के लिए जो ये दिन बाकी हैं 12 दिन, ये दिन आप जितना काम कर दोगे उतना आने वाला लाइफ उतना स्टेबल उतना अच्छा रहेगा। तो मेक श्योर आप अभी अपना पूरा एफर्ट दो एंड लास्टली हमें कर दिखाना है। गुड बाय।